क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम पदार्थ को तोड़ते हैं यानी अस्थूल को तोड़ते हैं तो अणु में विभाजित होती है, परमाणु में विभाजित होती है, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होती है और उसका विभाजन के बाद उसके बाद का जो क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, ऊर्जा का क्षेत्र है जिसको हम क्वांटम मशीन के द्वारा देख सकते हैं। अब हम क्वांटम फिजिक्स पर बात करेंगे और मेडिटेशन के साथ उसका कितना गहरा संबंध है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो अणु में विभाजित होते हैं, फिर परमाणु में विभाजित होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होते हैं। इसके बाद विभाजन संभव नहीं है पदार्थ का। इसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्जा के रूप में होता है, एनर्जी के रूप में होता है। इसको देखने के लिए क्वांटम मशीन की रचना की गई। क्वांटम मशीन फिजिक्स का एक अद्भुत देन है जिसके माध्यम से हम किसी भी पदार्थ को कहां तक वो टूट सकती है उसको हम देख सकते हैं, उसी को क्वांटम मशीन कहते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत कहती है कि पदार्थ अणु में विभाजित है, अणु परमाणु में विभाजित है, परमाणु का सबसे छोटा रूप है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद डिवीजन संभव नहीं है। उसके आगे का चीज देखने के लिए वो फिर उसका क्या होता है तो वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के तौर पर, ऊर्जा के तौर पर देखा जा सकता है वो क्वांटम मशीन के थ्रू, लेकिन उसका विभाजन संभव नहीं है। मोटे तौर पर क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी यही है। अब मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अस्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से निराकार की तरफ जाते हैं। जैसे क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम पदार्थ को तोड़ते हैं यानी अस्थूल को तोड़ते हैं तो अणु में विभाजित होती है, परमाणु में विभाजित होती है, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होती है और उसका विभाजन के बाद उसके बाद का जो क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, ऊर्जा का क्षेत्र है जिसको हम क्वांटम मशीन के द्वारा देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान भी जो है वो पहले हमें हमारे अस्थूल मय को तोड़ती है, अस्थूल मय को तोड़ने के बाद सूक्ष्म मय को तोड़ती है और सूक्ष्म मय को तोड़ने के बाद वो अनकॉन्शियस निराकार क्या सत्ता है उसका दर्शन कराती है। तो अस्थूल का सूक्ष्म रूप सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म रूप ऊर्जा है, एनर्जी है जिसको प्राण शक्ति कहते हैं और ऊर्जा का सूक्ष्म रूप क्या है? आत्मा है और आत्मा का भी सूक्ष्म रूप क्या है? परमात्मा है, निराकार सत्ता है। तो ये जो डिविजनल बेंच है वो पैरेलल फिजिक्स में भी चलती है और ध्यान में भी चलता है, लेकिन फिजिक्स में क्वांटम ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक ही गए, उसके बाद अभी तक वो विभाजन नहीं हो सका है पदार्थ का, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण ध्यान में होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जब खोज आइंस्टाइन कर रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पर शांत हो जाती है। शांत होने के बाद की जो स्थिति है उसको हम किसी मशीन के द्वारा नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते। उसी तरह से ध्यान करने के समय में जब हम गहरे ध्यान के स्तर पर जाते हैं तो हमारे अस्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा तीनों का रूपांतरण हो जाता है गहन ध्यान में और फिर वो परम शांति की अवस्था कहलाती है जो अनुभूति के परे की चीज है और जो समाधि के स्तर की चीज है। तो क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी और मेडिटेशन इन दोनों के बीच में गहरा संबंध है। योग भी उन्हीं क्रियाओं को करता है जो फिजिक्स का प्रोसेस अलग है, चूंकि वो मैटर वर्ल्ड पर ज्यादा विश्वास करता है और मैटेरियलिस्टिक खोज को ही वो
महत्व देता है। इसलिए क्वांटम पदार्थ के सूक्ष्म रूप तक ही जा पहुंचे, उसके आगे की यात्रा ध्यान के माध्यम से योग ने किया है, जो अस्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से ऊर्जा की तरफ, और ऊर्जा से आत्मा की तरफ, और आत्मा से परमात्मा की तरफ हमें ले जाती है। तो ये गहरा संबंध है। साधक को साधना में ध्यान के माध्यम से हम संस्कारों का नाश करते हैं। संस्कार का घनीभूत रूप अहंकार है, जो दो तरह का है, एक विकृत है, एक सात्विक है। ध्यान विकृत अहंकार को तोड़ती है, यानी विकृत महत्व को तोड़ती है, फिर उसमें से जो प्योर सात्विक मय है उसके तरफ ले जाती है, फिर उसको भी तोड़ती है, तो ब्रह्मांडीय प्राणिक एनर्जी का हमको दर्शन होता है, फिर उस एनर्जी का रूपांतरण करके वो हमें समाधि की अवस्था तक ले जाती है, जहाँ ना कोई विचार है, ना कोई भाव है, भाव शून्यता है, विचार शून्यता है, वहाँ पर सिर्फ निराकार जो है चेतना, उसी का दर्शन होता है। तो इस तरह से ध्यान ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देती है, जिसको हम ट्रांजेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से जानते हैं।